जवान जवान लोग यार अपने आप को मतलब कैसे सोच लेते हैं इस आत्महत्या जैसे एक बोला जाता है, सोच के डर लगता है इस घटना को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अमूल्य है जीवन, इस जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और इस वक्त मैं हूँ सिटी कोतवाली चौक बिलासपुर में, बोला जाए तो जहाँ से आपको गोल बाजार की रास्ता मिलेगा और सिटी कोतवाली के लिए जहाँ से रास्ता है। और मैं जिस रास्ते में हूँ ये तेली पारा का रास्ता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप गोल बाजार एरिया में हैं और मॉर्निंग टाइम में हैं और आपको इडली का नाश्ता आपको खाना है, तो आपको जो मेरे पीछे शॉप दिख रही है वो है तंबोली इडली सेंटर। आपको महज यहाँ पर सिर्फ इडली के देने पड़ेंगे 10 रुपये और आपको शानदार यहाँ पर इडली का नाश्ता मिलेगा 10 रुपये में महज। और मैं जहाँ पर हूँ ये तेलीपारा का रास्ता है, मेरे पीछे जो चौक आपको दिखेगा वो चौक है कोतवाली सिटी का, कोतवाली सिटी चौक, बगल में कोतवाली थाना है, ठीक। और इस वक्त मैं हूँ तेलीपारा रोड में, ठीक। और आपको मैं शॉप दिखाता हूँ, इसके सामने आपको मिलेगा पीछे SBI का ATM और कुछ संजय मेवा वाला, ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा, ऐसा करके दुकान है। उसके सामने हमें आपको मिलेगी ये इडली की शॉप, मैं आपको पूरा दुकान दिखा देता हूँ। और महज आपकी सेवा में 6 महीने हो चुके हैं इस दुकान को खुले हुए, तो यहाँ आइएगा नाश्ता करने और यहाँ का नाश्ता का मजा लीजिएगा। तो आपको मैं पूरा एरिया दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आइएगा यहाँ पर नाश्ता कीजिएगा और भैया को मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा एरिया। आपको जो चौक दिख रहा है ये है सिटी कोतवाली चौक, आप इससे सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा गोल बाजार और उसके उस साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा सनीचरी। और मैं जिस वक्त हूँ जिस रोड में वो है तेलीपारा का रोड और यहाँ पर जस्ट आपको सिटी कोतवाली के पास ही मिलेगा तंबोली इडली सेंटर और इसके सामने है SBI का ATM, ठीक। मैं आपको भी दिखा देता हूँ तंबोली इडली सेंटर, आप यहाँ पर आइएगा, आपको 10 रुपये में महज इडली सांभर बड़े 20 रुपये। और इसके जस्ट सामने में आपको मिलेगा SBI का ATM, सामने है संजय मेवा वाला, ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा, ऐसा करके तेलीपारा रोड और वो सिटी कोतवाली का चौक, सिटी कोतवाली थाना जो कि बगल ही में है। और यहाँ से आपको सिर्फ 4 कदम ही चलने पड़ेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर तंबोली इडली सेंटर जो आपकी सेवा में 6 महीने से है। और भैया की दुकान में आइएगा, आपको शानदार इडली खिलाएंगे भैया, 6 महीने से आपकी सेवा में है, तो जरूर आइएगा दोस्तों। मैं भी इडली खा चुका हूँ इसलिए है, इडली खाने के बाद में आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी यहाँ आएँ और भैया को मोटिवेट करें और भैया का दुकान का नाश्ता खाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों आज कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह रहता है कि हर एक इंसान में एक इंसानियत छिपा होता है, ठीक। तो अगर मेरे प्रयास से और आपके साथ से अगर किसी भी मेहनती इंसान के जीवन में अगर नया बदलाव होता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नए बदलाव के साथ में उसके मेहनत में कुछ उसे लगे कि मेरा मेहनत सही है और मैं इस मेहनत से आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी परिवार इस मेहनत से चल सकती है, तो आपका साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो को प्यार दिखाएंगे, उस मेहनती इंसान के जीवन में उतने जल्दी ही एक नया उदय होगा, ठीक। क्योंकि यार छोटी सी जिंदगी में कब किसके साथ में क्या हो जाए ये भरोसा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ यार कि आप वीडियो में ऐसी प्यार दिखाते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि कभी कभी बिजनेस में ये होता है कि कभी कभी इंसान को निराश मन घर लौटना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता यार कि एक इंसान अगर दूसरे इंसान का मदद करे तो मेरे हिसाब से किसी को भी घर निराश लौट कर जाना नहीं पड़ेगा।
तो आपका प्यार अगर पूरा पूरा रहा वीडियो में, वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, तो मेरे हिसाब से उस इंसान को कभी भी निराश मन से घर लौटना नहीं पड़ेगा। यही कोशिश रहती है यार कि किसी के साथ में कुछ अच्छा हो, और अच्छा होने के साथ साथ में वो इंसान हमेशा हमेशा बना रहे। कभी कभी निराश इंसान इतना हो जाता है कि अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने के बारे में सोच लेता है। 99% अभी आत्महत्या का केस देखने को मिलता है। 20 साल, 19 साल, 35 साल, मतलब जवान जवान लोग यार अपने आप को मतलब कैसे सोच लेते हैं इस आत्महत्या जैसे एक बोला जाता है, सोच के डर लगता है इस घटना को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अमूल्य है जीवन, इस जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। एक शरीर जो कि अरबों खरबों की है बोला जाए तो आप ऐसा कदम ना उठाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों से वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जो भी दुकान के वीडियो बनाता हूँ उस इंसान के पास, लगभग इंसान के पास में स्मार्टफोन नहीं रहता है बोले जाए तो, वो मेरे वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को तो नहीं देख पाते हैं, पर उसके पास में ग्राहक जब पहुँचे तो उस इंसान को ये बोले कि आपका मैंने वीडियो देखा है, और वीडियो देखने के बाद में मैं आपकी दुकान में नाश्ता करने आया हूँ, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना यार, हिम्मत मिलेगा, ठीक, कि मैं कामयाब हो रहा हूँ अपने काम से। तो आपको कामयाब उसे करना है कि नहीं करना है ये आपके हाथ में है, और आपको वीडियो शेयर करते रहना है और लाइक देते रहना है, और कमेंट आप दीजिएगा। जब भी उस इंसान के हाथ में मोबाइल आएगा तो वो अपने वीडियो को जरूर देखेगा, और उसके बाद में जो कमेंट पढ़ेगा उसके बाद उसके मन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, देश की जान इंडियन आर्मी, जय हिंद।